हेलो बच्चों, आशा है आप सब अच्छे हैं। आज हम बात करेंगे कि कैसे अपना बेस्ट करना है। परिणामों से प्रेरित दुनिया में बहुत आसान है खो जाना कि क्या मैंने हासिल किया और क्या नहीं किया। ऐसा लगता होगा कि ये जरूरी नहीं कि हम कितनी कोशिश कर रहे हैं, अगर हम जीत नहीं पाए तो वो हार ही है। बहुत आसान होता है ये सोचना कि हमारा बेस्ट ही सही है, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। बहुत से दिग्गज लोग हैं इंडिया में जिन्होंने सब परेशानी देखी है और सिर्फ अपना बेस्ट करने पर ही ध्यान दिया है। ऐसे ही एक इंसान है रति भाई मकवाना, जिन्होंने बहुत मुश्किल से बनाया है 380 करोड़ रुपए का एम्पायर और आज तक अपना बेस्ट दे रहे हैं और उसी पर यकीन बनाए हुए हैं। उनको अपने लिए बुरा लग सकता था उस पक्षपात का जिसका उन्होंने सामना किया दलित होने के कारण, पर उन्होंने चुना अपना बेस्ट करना। दलित परिवार से होने के कारण बचपन में रति भाई मकवाना को दूसरे अपर कास्ट बच्चों के साथ खेलना मना था। बाद में जब बड़े हो रहे थे रनपुर में, जो भावनगर गुजरात में है, उनको उनकी जगह दिखाई जाती थी चाय की दुकान पर भी। दुकान के बाहर टूटा हुआ चाय का कप रखा हुआ होता था। रति भाई मकवाना से उम्मीद की जाती थी कि वो उससे साफ करें और फिर वो दुकान वाला उनको चाय देता था, वो भी दूर से बिना उन्हें छुए। 78 साल के मकवाना अब मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अहमदाबाद बेस्ड गुजरात पीकर्स इंडस्ट्री के और उनके पास है 380 करोड़ रुपए की प्लास्टिक इंटरमीडिएरीज, जिसमें है 4 ग्रुप ऑफ कंपनीज और एक ग्लोबल प्रेजेंस अफ्रीका में और कई डाइवर्सिफिकेशन प्लांट। मकवाना जी ने लंबा सफर तय किया है एक चमड़ा बनाने की यूनिट से लेकर जो उनके पिता गाला भाई ने 50 साल पहले बनाया था। तो ये थी कहानी रति भाई की, जिन्होंने अपना बेस्ट किया और दुनिया को दिखाया कि अभी तो अच्छे दिन आने बाकी हैं और वो जल्दी आ सकते हैं। एक और इंडियन वुमेन आइकॉनिक एंटरप्रेन्योर के बारे में बताना चाहता हूँ, वो है किरण मजुमदार शॉ। किरण मजुमदार शॉ एक इंडियन बिलियनियर एंटरप्रेन्योर है। वे एक एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन है और फाउंडर है बायोकॉन लिमिटेड और बायोकॉन बायोलॉजिक लिमिटेड की, जो एक बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है जिसका बेस है बेंगलोर इंडिया। और वो रह चुके हैं फॉर्मर चेयरपर्सन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर की। किरण मजुमदार शॉ ने शुरुआत की बायोकॉन की 1978 में, जब वे सिर्फ 25 साल की थी, एक किराए के गैराज में, वो भी सिर्फ 10,000 रुपए के साथ। एक कंपनी शुरू करना नए इंडस्ट्री में जिसको चलाने का ज्यादा अनुभव भी नहीं था, ऐसे में बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा किरण मजुमदार शॉ को। उन्हें बैंक से लोन मिलना आसान नहीं था, काम के लिए सही लोग मिलना आसान नहीं था और ऐसी कई मुसीबतों का सामना करना था। मजुमदार शॉ इन सभी तकलीफों से बाहर आई इन बीते सालों में और आज बायोकॉन एक लीडिंग इंडियन बायोफार्मास्यूटिकल्स कंपनी है जिसका सालाना रेवेन्यू है तकरीबन 15.55 बिलियन रुपीस। किरण का मोटो रहा है कि अपने काम से प्यार करो और बेस्ट करो, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। एक और उदाहरण है एक युवा लड़की का जिसने कभी हार नहीं मानी और अपना बेस्ट दिया, वो है भक्ति शर्मा। भक्ति शर्मा 26 साल की ओपन वाटर स्विमर है जिन्होंने तैर कर तय किए हैं दुनिया के 5 महासागर। यह है एक जरा सी झलक उनके प्रेरणादायक कहानी की। उन्होंने बताया कि उनकी माँ एक स्विमर थी, माँ ने उनको तैरना सिखाना शुरू किया जब वो सिर्फ 2.5 साल की थी। भक्ति शर्मा बात करती हैं अपने समुद्र के लगाव के बारे में। 5 महासागरों को चीर कर तय करने वाली इस विजेता का जन्म मुंबई में हुआ और परवरिश उदयपुर में। उन्होंने अपना पहला ओपन वाटर स्विम खत्म किया था जब वो 14 साल की थी। वो 16 किलोमीटर के स्विम थी 2003 में उड़न पोर्ट नवी मुंबई से गेटवे ऑफ इंडिया तक और तब से वो कभी नहीं रुकी। 2010 में भक्ति बनी सेकंड और सबसे छोटी स्विमर दुनिया में जिसने स्विम किया 4 महासागर में और 2012 में उनको मिला टेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी से उनके उपलब्धियों के लिए। उनकी सफलता की कुंजी है हमेशा अपना बेस्ट देना, इसलिए बच्चों किसी कोई या किसी भी परिस्थिति को दोष देना बंद करो, बस मेहनत करो और अपना बेस्ट दो। और याद रखो, सब कुछ
अच्छा होगा, बस बेस्ट दो। जय हो, जय हिंद।